हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, SBI क्लर्क 2018 प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। क्या है इसको डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया, वो बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो के जरिए। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो की। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क 2018 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2018 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड SBI की आधिकारिक वेबसाइट जो की है www.sbi.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। SBI क्लर्क 2018 के अंतर्गत क्लरिकल कैडर में जूनियर एसोसिएट, कस्टमर सपोर्ट और सेल्स के पदों के लिए परीक्षा आयोजित किया जाना है। विभिन्न विभागों में कुल 8,301 पदों के लिए होने वाली उप प्रारंभिक परीक्षा 23, 24 और 30 जून 2018 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। दोस्तों बता दें आपको कि SBI क्लर्क 2018 की प्रारंभिक परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और जिसकी समयावधि 1 घंटा होगी। परीक्षा कुल 3 विषयों में विभाजित की गई है, अंग्रेजी भाषा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। जहां तक मार्क्स का सवाल है तो बता दें आपको कि अंग्रेजी के लिए कुल आवंटित 30 अंक है, जबकि न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 अंक निर्धारित किए गए हैं, जबकि मुख्य परीक्षा 8 अगस्त 2018 को आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की विधि। जैसा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को SBI की आधिकारिक साइट पर जाना होगा और SBI क्लर्क प्रीमियम प्रवेश पत्र 2018 पर क्लिक करना होगा, जो कि होम पेज पर उपलब्ध होगा। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को अपने पंजीकरण आईडी और पासवर्ड दर्ज करने होंगे, जिसकी सहायता से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बता दें आपको SBI क्लर्क 2018 से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस न्यूज में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली रिक्रूटमेंट्स के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।